गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड डूइंग वेल, एंड आई एम आल्सो वेरी वेल। कल था मतलब कल हम लोग एक जगह घूमने गए थे, तो उसका व्लॉग मैंने शूट किया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। बस मैं स्टार्टिंग यानी ग्रेट पार्ट नहीं वो कर पाई थी शूट, तो वो मैं अभी कर रही हूँ। बाकी कल का व्लॉग, जो लोग नेचर लवर हैं उनको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा, तो इस व्लॉग को एंजॉय करिए। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल, और लाइक भी करिएगा। सिर्फ आप लोग देख लेते हैं, उसको लाइक करना भूल जाते हैं, तो उस पर थम्स अप जरूर दीजिएगा। चलिए आपको लेके चलते हैं व्लॉग की तरफ। ये मैं और रोहन निकल चुके हैं जहाँ हमें जाना है। हम आपको आज लेके जा रहे हैं कंपनी गार्डन। पहले जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, यहाँ मार्च में पुष्प प्रदर्शनी लगने वाली थी, तो वही हम देखने जा रहे हैं। आपको भी जो लोग नहीं देख पाए उन्हें हम अपने ब्लॉग के थ्रू दिखाएंगे, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये हम पहुँच गए हैं कंपनी गार्डन। आज बहुत रश था गाइस, ये देखिए आप लोग, टू मच रश। ये हम एंटर कर चुके हैं यहाँ। फूलों से देखिए कितना प्यारा हाथी बनाया गया है। यहाँ पहुँचते ही एक रिलैक्सेशन वाली फीलिंग आ रही थी, बहुत सुंदर लग रहा था यहाँ पे। मैं वर्ड में एक्चुअली डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगी कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा था ये सब। आप लोग व्लॉग देखिए और इन्जॉय करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा था। ये देखिए यहाँ भी एक सेल्फ़ी लेने के लिए सुंदर सा बनाया गया है, कितना प्यारा लग रहा है। तरह के फूल थे, लाइक गेंदा, गुलाब, चंपा, फ्लाक्स, बरवीना, डहेलिया, कलडेलुआ, बहुत सारे खुशबूदार भी बहुत सारे फूल थे, पुष्प थे। यही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था यहाँ का, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। सब जगह लाइटिंग वगैरह की गई थी। आज लास्ट डे है इसका, आज से ये हट जाएगा, तो जो लोग जाना चाहते हैं वो ज़रूर जाएँ और देख कर आएँ, बहुत सुंदर है ये।
अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। देखिए हम दिन मतलब शाम को आए थे और ये रात हो गई। कितनी प्यारी लाइटिंग लग रही है, कितना वाइब, कितनी खूबसूरत आ रही। मेरा तो मन कर रहा था मैं यहीं रुक जाऊँ, लेकिन नहीं, घर तो आना ही था। सुबह का बुला, शाम को घर तो आएगा ही। तो अब हम थोड़ा सा मंदिर भी गए थे, फिर हम आएंगे घर। ये